कि रोहित शेखर तिवारी 10 अप्रैल को अपनी मदर उज्ज्वला तिवारी, कुछ रिलेटिव्स और ड्राइवर सर्वेंट्स के साथ उत्तराखंड गए थे काठगोदाम में अपना वोट कास्ट करने के लिए और 15 अप्रैल को वापस लौटे दिल्ली रात में करीब 10:15-10:30 बजे के आसपास। इट वॉज ऑल्सो लर्न दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग ऑल द वे फ्रॉम उत्तराखंड टू दिल्ली अलॉन्ग विद द लेडी रिलेटिव इन द सेम कार ही वॉज ट्रेवलिंग बाय। रात में खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर उनकी मदर और जो रिलेटिव उनके साथ गए थे और कुछ सर्वेंट्स वापस उनके तिलक लेन वाले बंगले पे चले गए और जो लोग बच गए यहाँ पे घर में वो भी खाना खा करके 11:30, 11:30, 12:30 तक सभी ऊपर के फ्लोर्स पे चले गए। बाकी सर्वेंट्स भी रिटायर कर गए अपने अपने क्वार्टर्स में। उनके जो बड़े भाई हैं उनके हाफ ब्रदर ही ऑल्सो वेंट टू हिज रूम। नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे वन ऑफ द सर्वेंट्स डिस्कवर्ड दैट रोहित शेखर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज नोज। इसके बाद जो भी लोग घर के मौजूद थे सभी भाग के ऊपर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल मैक्स में उनको ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। बॉडी वॉज सेंट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर पोस्टमार्टम। द फॉलोइंग डे पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड बाई ए बोर्ड ऑफ 5 डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम की फाइंडिंग बहुत ही कैटेगरिकल थी, वेरी स्पेसिफिक। कॉज ऑफ डेथ वॉज फाउंड टू बी ड्यू टू एसफिक्सिएशन बाय स्मॉदरिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। मुंह दबा के, मुंह नाक दबा करके, गला दबा करके हत्या की गई और जो टाइम ऑफ डेथ था वो लास्ट मील से 2 घंटे के आसपास माना गया, जो रफली जो खाना उन्होंने खाया था उसके हिसाब से 1 बजे के रात की बात है। FIR 302 की दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच में हमने DCP जॉय तिर्की, हमारे ACP मिस्टर अरविंद यादव, मिस्टर अनिल दुरेजा, हमारे जो इंस्पेक्टर्स, हमारी टीम खड़ी है पीछे, इंस्पेक्टर सतीश, इंस्पेक्टर जैन और हमारे सभी साथियों ने 4 दिन तक दिन रात अथक मशक्कत की, सारे फैक्ट्स, सारे सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन किया, जो भी मौके की चीजें थी उनको देखा और जो लोग संदेह के घेरे में थे उन सबों को कई कई बार इंटरोगेट किया गया। फाइनली ये इंटरोगेशन और जब सारे पीसेस जुटाए गए साथ साथ तो ये स्पष्ट हो गया कि उनकी वाइफ अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने उनकी गला घोट करके और मुंह नाक बंद करके उनकी हत्या की। उनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है।